बाबा वशीकरण वाले वशीकरण संपन्न हो। रूपाल, आपने बुलाया मुझे? आपने? तुम है ना, मुझसे ऐसे दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। लगता है कल रात का रोमांस का बुखार उतरा नहीं आपका अभी तक। अरे मैं तो इस रोमांस के बुखार में लाइफ टाइम तपना चाहता हूँ, डेली। वाह, आप तो शेयर मार्केट के राजा से ऐसे रोमांस के बादशाह बन गए हैं। हाँ फिर कनीज आपकी क्या खिदमत कर सकती है? चिल्ले लाही। रूपल तो मेरे वश में आ गई। जिल्ले लाही का हुक्म है कि तुम जल्दी से अंदर जाओ और वो वाली ड्रेस पहन कर आओ जो मुझे बहुत पसंद है और जिसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। जो हुक्म मेरे आका। अरे आका की लाइफ का चाका फिट हो गया। जय हो वशीकरण बाबा की। अब पोपी भाई को दिखाऊंगा कि रूपल कैसे मेरी हर एक बात मानती है। जय हो। रूपल, आज तो कयामत ढा रही है आप इस ड्रेस में। तो मैंने पहनवाया है। ओहो, कैसे कैसे? वशीकरण बाबा की जय हो भाई, जय हो। क्या प्रोफेशनल काम किया है उन्होंने। रूपल का स्वभाव पूरा पलटी भाई। ऑपरेशन वशीकरण सक्सेसफुल। अच्छा वो आपने नाश्ते में बुलाया है, अभी देखना मैं रूपल को कैसे ऑर्डर देता हूँ और कैसे वो मेरी बात मानती है। देमो। देमो देखो। रूपल। हाँ जी। नाश्ते में क्या है? अरे आ गया। ये आप लोगों के लिए आज आलू का पराठा। आलू के पराठे? जी आलू के पराठे। आलू के पराठे खाने का मन नहीं कर रहा है। प्याज के पराठे हो जाए जरा। लेकर आई अभी। हाँ फटाफट। हाँ हो गया भरोसा। उन्होंने बोल दिया ना तो बोल। रुक। परिमल भाई साहब, आप आलू के पराठे क्यों नहीं खा रहे? मन था मेरा आलू के पराठे खाने का। हाँ। लेकिन मन तो चंचल है ना। पहले बोला कि आलू खा, तो मैंने सोचा खा लू, उतने में तो भाग के प्याज पे बैठ गया। प्याज के पराठे। मैं प्याज के पराठे बनाने में हेल्प करती हूँ। रूपल। हाँ? गर्मी बहुत लग रही है। आपका प्याज का पराठा। हाँ, गर्मी बहुत लग रही है। एसी तो ऑन है ना? तो एसी का मुंह मेरी तरफ तो नहीं हो सकता ना, तो फिर जरा पंखा झलो जरा। ये ले रूपल, ये ले, ये लीजिए। एक मिनट, ये क्या हू कर रही हो? ये पराठा ठंडा हो गया। मैं अभी गर्म करके लाऊं? तो फटाफट। हाँ। भाभी। अरे भाई तुम्हारी तो निकल पड़ी। आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? या तो आज सूरज पश्चिम से उगा है या जो उगा है वो सूरज है ही नहीं, वो बिल से कोई चूहा निकला है। क्या हुआ रूपल? हो रहा है, गर्म हो रहा है। भाई तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए, तुम तो गंगा नहा लिए। स्विमिंग कर रहा हूँ। जीवन तर हो गया तुम्हारा। हाँ, अब जी के क्या करोगे? मतलब? नहीं, कहने का मतलब है कि अब सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, अब एकाध अगर बाकी रह गई हो इच्छा तो वो भी पूरी करवा लो रूपल से। स्टार्ट हुआ है जीवन अभी गोपी भाई, आगे आगे देखते जाइए। क्या हुआ भाई पराठे का? रेडी है। दिमाग गरम हो जाता है फिर टाइम पे पराठा आएगा नहीं तो। चटनी कौन देगा? सॉरी। अभी चम्मच ढूंढो, ऐसे टाइम पे भी चम्मच ढूंढने जाएंगे। मक्खियां कितनी है? ओह
सॉरी करके पकाओ मत, ये सब करो ना। चल हेलो धवन, किधर जा रहे हो आप? दुर्बल अभी आप जानती नहीं मुझे? मैं जानती हूँ ना, लेकिन एंट्री मारनी पड़ेगी। रूल इज रूल ने। ओके। भाभी को जय श्री कृष्ण बोलना हो। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू रूपल भाभी। आपने हमारा काम संभाल लिया। वो कहना कि हम हल्के होने गए थे तो मदद हो गई। छोटेलाल जी, आप मुझे पूछेंगे और मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं मना नहीं कर सकती ना। आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ओके। ये क्या, रूपल भाभी और छोटेलाल का तो 36 का आंकड़ा है, फिर भी उन्होंने इसकी बात मान ली। रूपल भाभी आप कहीं जा रही है क्या? ना ना। ये, अरे वो मिस्टर शर्मा है ना, वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप मेरे बैग का ध्यान रखेंगी। कह रहा वो अपना मोबाइल फोन घर पे भूल गए, तो लेने गए तो मैं मना नहीं कर पाई, मैंने हाँ बोल दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ है? नहीं मतलब मैं सुबह से देख रहा हूँ आप वहाँ वो छोटे लाल की जगह पे जॉब कर रही है। हाँ, हाँ। यहाँ शर्मा जी की बैग संभाल रही है, मतलब जो आपको कह रहा है सबको हाँ बोल रही, किसी को मना नहीं कर रही है आप, इसलिए डाउट गया मुझे। आप ये कहना चाहते हैं कि गोल्डी भाई मैं सबको मना? गोल्डी भाई? हाँ, क्या मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ? नहीं नहीं, आप मानती हो, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। तो वो क्या है ना गोडी भाई, मुझे ना किसी को किसी भी बात के लिए मना करना अच्छा नहीं लगता। कब से? What do you mean कब से? नहीं कब से नहीं, सबसे सबसे अच्छी बात है ये, अच्छी आदत है, very good। Thank you। ये मनमोहिनी बाबा सच में वशीकरण करते हैं क्या? आपको कोई काम है? नहीं नहीं, आपको कंपनी दे रहा हूँ। अरे सो स्वीट। अच्छा बेटा, रूपल भाभी। अरे गोल्डी भाई। आप बच्चे को लेने स्कूल गई थी? हाँ, वो कह रहे इसकी मम्मी है ना मिसेस तिवारी, उनके पार्लर की अपॉइंटमेंट थी तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को लेकर आओगे क्या, तो मैंने बोला ठीक है, मैं मना नहीं कर सकती ना। वैसे गोल्डी भाई, आप भी ना जल्दी से शादी कर लो, फिर आपकी बेटी को भी मैं ऐसे स्कूल से लेकर आऊंगी। तो देखो इसकी शक्ल आपकी जैसी बिल्कुल है, ऐसी बेटी होगी आपकी भी। आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ ही लूंगा, मैं देखूंगा कि रूपल भाभी सच में परिमल की बात मानती है या नहीं। आज होगा मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर। अरे 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 अरे, कहां से आ रही है आप दोनों की सवारी? वो बाजार गए थे इनकी फेवरेट सब्जियां लाने के लिए। गुड गुड, वेरी गुड। पर भाभी नॉट गुड। आपको पता है आप परिमल का इतना ख्याल रखते हैं और परिमल एक नंबर की चालूगिरी करता है। क्या क्या क्या, क्या चालूगिरी की? क्या, क्या 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 किया मैंने? क्या किया? अरे भाभी आज सवेरे मैंने इनकी दोस्त रश्मि को देखा तो उसमें क्या हो गया, उसके साथ साथ मैंने परिमल को भी देखा, एक कैफेटेरिया में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे थे। ए झूठ की पैदाइश, कुछ भी बकवास कर रहा है, धतूरा खा के आया क्या? मम्मी कसम भाभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या क्या परिमल क्या कह रहे हैं ये? चकड़ी ऐसा है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, तो रूपल मेरे वश में है।
रूपल कूल डाउन। तुम्हें पता है ना मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी बोलो। सॉरी। कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गोल्डी जो कुछ भी कह रहा है ना झूठ कह रहा है। अब उसे एक थप्पड़ लगाओ। शाबाश, शाबाश। अरे रूपल भाभी आपको क्या हो गया है? हाँ आप अपने कैरेक्टर से बाहर क्यों आ गए हो? आपका कैरेक्टर क्या है पता है ना? परिमल कुछ भी करे ना तो उसको डांटो, उसको पनिशमेंट दो, उसको है ना अभी पता चला ना तो एक लाफो मारो। बाय। क्या हो अभी जी, ये आदमी आपको छेड़ रहा है क्या? सकल सर बदमाश लग रहा है। ए, क्या बदमाश है? वाइफ है मेरी, तो अपना काम करो। रूपल तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अब आपने बोला तो मैंने गोल्डी बाई को थप्पड़ मारा ना, तो फिर उनके बोलने पर मैंने आपको थप्पड़ मारा। हा? मैंने तो बस दोनों की बात मानी है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? नहीं नहीं सुनो, ऐसा अलाउड नहीं है चकुड़ी, सिर्फ सुनो। तू वापस आ गया, अभी मैं मारूंगा तुझे। मारना बात में, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरे इतना बड़ा कांड हो गया जरा समझो। क्या 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 कांड हो गया? अरे रूपल भाभी सिर्फ आपकी बात नहीं मान रही है, आपके साथ साथ पूरे जगत की बात मान रही है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह छोटे लाल ने कुछ कहा तो उसकी जगह पे वॉचमैन बन गई। हा? फिर मिस्टर शर्मा ने कहा तो उनकी बैग संभालने के लिए वहाँ खड़ी रह गई। क्या? फिर मिसेस तिवारी ने कहा कि मेरी बेटी को स्कूल से लेके आओ तो उसकी बेटी को स्कूल से लेके आए। अच्छा हाँ, और मेरे कहने पर आपको थप्पड़ भी मारा। समझ रहे हो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसा चलेगा नहीं। एक मिनट, हेलो बाबा की जय हो। मनमोहिनी बाबा ये वशीकरण तो हो गया पर ये रूपल सबकी बात मान रही है क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने स्टार मार के लिखा था लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा। अरे हेलो बाबा, काट दिया। ये फ्री के काम में कुछ ना कुछ लोचा तो होगा ही ना। रूपल मेरे साथ साथ अगर सबकी बात मानेगी तो मेरी बात की वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? कितना अच्छा सुखी परिवार चल रहा था आपका। रूपल भाभी आप पे दहाड़ती थी, आप भी की बिल्ली बनकर रहते थे खुशी खुशी, कितना खुश था सब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्री का काम कभी करना ही नहीं जी, लालच बुरी बला है। हो गया तेरा प्रवचन? प्रवचन मत दे मुझे, अभी क्या करने का कुछ तो सोच। भूपी भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे भूपी भाई है, भूपी बाबा नहीं है, वो क्या करेंगे भाई? लेकिन वैसे बैठ के डिस्कस करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। डिस्कशन छोड़ो, ये बाबा ने क्या बोला वो बोलो। बाबा बोल रहा है कि वशीकरण ऐसे ही होता है, रूपल सबकी बात मानेगी। ये तो चीटिंग है ना। पहले बोलना चाहिए, मैं भूपी भाई को बोलने वाला हूँ कि वो बाबा बोल रहा है कंडीशंस पढ़ो, ऐसे थोड़ी कंडीशंस पढ़ते रहेगा भाई। विश्वास से गए थे हम तो, ऐसा विश्वासघात थोड़ी करता है कोई। अरे ये सब छोड़ो, जाके ना रूपल भाभी को संभालो वरना वो किसी की बात मान लेगी और फिर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक कोई सॉल्यूशन ना निकले ना तब तक जो आपका ये गोल्डन मोमेंट है ना लाइफ का उसको एंजॉय करो। गोल्डी की बात में पॉइंट तो है, रूपल जब तक मेरी बात मान रही है तब तक तो सेवा का मेवा ले लूं। ऐसे नक्षत्र और ग्रह रोज रोज थोड़ी बनते हैं। रूपल, रूपल। हाँ। अरे ये मोजे बदल के दो। हाँ? कितनी बदबू आ रही है। अरे लेकिन परिमल आप जितनी बार नहाते ना उससे ज्यादा बार तो ये मोजे धुलते हैं, इसमें से बदबू कहाँ से आ सकती है? पता है मुझे, इसमें से डिटर्जेंट की नहीं परफ्यूम की सुगंध आनी चाहिए। जाओ फटाफट इसे परफ्यूम लगाओ और इस्त्री करके लाओ, फटाफट फटाफट। ठीक है।
सदा सुहागन रहो। बाय। हाँ, पति जब घर से बाहर जाए तब दरवाजे तक आकर उसे बाय कहते हैं। बाय। और पति जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक उसे देखते रहना चाहिए, समझी ओझल? हाँ रूपल, ओझल। जब तक मैं। हाँ। शाबाश। सलाम साहब। अरे अच्छा आदमी है। ये लो खाने का डिब्बा। मेरे लिए? हाँ, जब भी जी चाहे खा लेना, टेस्टलेस टेस्टफुल खा लेना। हाँ। हाँ? सलाम, अच्छा आदमी है। थैंक यू। भिंडी की खुशबू, मजा आ गया, जिंदगी बन गई, गर्मा गर्म रोटी। ये भिंडी की खुशबू तो वहां तक आ रही है। हाँ, लेकिन गोल्डी भैया आप ही सुनते सुनते बीच में क्यों आ गए? किसने दिया? कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी ने? हाँ। तुम्हें आज नहीं लगता कि आजकल लोग बहुत मेहरबान हो गए तुम्हारे ऊपर? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये खाना कभी नहीं खाता। क्यों? अरे क्या खराबी इस खाने में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म रोटी। बिल्ली मौसी ऑलरेडी मुंह मार चुकी है। हाँ, तभी तो तुझे भी है, फेंकने से अच्छा तू खा ले। अरे क्या हम अरे कह रहे हैं, नथू कह रहे हैं, जो बिल्ली का झूठा खाना खाएंगे हम? नहीं खाएंगे। नहीं खाना चाहिए। हाँ। कभी नहीं खाना चाहिए। मैं जाके अभी कुलकर्णी जी को ये दे आता हूँ और कह दूंगा छोटे लाल ये खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल बोल देना और इस खाने को उनके मुंह पे मार देना। अरे कोई हमको बिल्ली का कुत्ते का सबका झूठा खिलाएगा? दे दीजिए इनको। नॉनसेंस। कुलकर्णी जी, कहाँ हो? जूते उतारो, चप्पल। रूपल, जूते जूते। ओ हो हो, अपने नहीं। हा? मेरे मेरे, कम ऑन। अच्छा रहने दो, मैं उतार लेता। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं उतार सकती? मैं उतार देती हूँ ना। परिमल, तेरा तो जन्म सफल हो गया। जय हो मनमोहिनी बाबा की। कौन मनमोहिनी बाबा? मेरे मन को तुमने मोह लिया, ऐसा कह रहा हूँ बाबा से। वाह वाह वाह, सदा सुहागन रहो जी। आपके लिए चाय लाऊं? बस कर पगली, प्यार हो जाएगा। लाऊं? ले आओ ले आओ, अभी लेकर आती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.